गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्य विपुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गति का नाम जीवन है और स्थिरता का नाम मृत्यु है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लेना। जो कर्म के प्रति आलस्य प्रमाद करता है वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। जीव की मृत्यु, शरीर की नहीं कह रहा, वो अपने जीव की मृत्यु की तरफ जा रहा है। निकम्मेपन से इसकी यात्रा शुरू होती है। मृत्यु की यात्रा निकम्मेपन से होती है। ये जीव तो ऐसा है, अगर अपना आत्मनिरीक्षण करे तो ये आकाश की ऊंचाइयों को उड़ सकता है। भगवान ने इसके कल्पना के पर लगा करके दिए हैं जिनके सहारे ये उड़ सकता है। और जरा सोच करके देखिए, अगर काश भगवान पक्षी की तरह हमें भी उड़ने का मौका दे देता, हमें भी पंख लगा देता, तो आकाश में कितनी ऊंचाइयों तक कुलांचे मारते। मन करता कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं। ये है जीव की गति। ये जीव की मृत्यु नहीं है। निकम्मेपन से जीवन के जीव की मृत्यु का कारण पैदा होता है वही आलस्य और प्रमाद में बदल जाता है। असंख्य लोगों को द्युतिमान करता हुआ सूर्य पूरे दिन में गतिशील रहता है। याद रखना, सूर्य का होना ही दिन है और दिन का मतलब ही गति है। दो रात के बीच में एक दिन होता है, परंतु दो दिन के बीच में एक रात होती है। सोचने वाले की सोच है, जो आराम की नींद सोना चाहता है वो रात्रि को देखता है, जो अपनी गति करना चाहता है वो दिन को देखता है। जो गति करना चाहता है वो कहता है दो दिन के बीच में एक रात है। जो गति नहीं करना चाहता वो कहता दो रात के बीच में एक दिन है। इन्हीं संभावनाओं पर आपका जीवन टिका है। लोक लोकांतरों की जो यात्रा है वो जीव करता है। जो कर्म ज्यादा चाहते हैं वो आराम नहीं करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, साधक कभी थकता नहीं है,
वो अपने कर्म को एक मंजिल पर ले जाता है, उसको पूरा करता है तो दूसरा छेड़ देता है। ये उसके जीवन का सिद्धांत है। वो कभी आराम नहीं करता, वो एक एक दिन एक एक सेकंड की कीमत को समझता है। गति बुद्धि से है, जीव की गति बुद्धि से है। गतिशील रहने के कारण वो संसार में जीव, संसार में अपने उदर पोषण की बात तक सीमित नहीं रहता। सूर्य का एक दिन का विश्राम जीव जंतु के जगत के लिए मृत्यु का संदेश बन सकता है। वो घटा के पीछे रहता है, बादलों के पीछे रह करके भी वो अपनी शक्ति संसार को देता रहता है। ऐसा मत समझना बरसात के दिनों में कई कई दिन तक बारिश होती रहती है और सूर्य दिखाई नहीं देता। अंदर से चेतना तड़प उठती है जब कई कई दिन तक सूर्य नहीं दिखता है। अंदर की चेतना तड़प उठती है उस बरसात के दिनों में भी, और सर्दी के दिनों में कोहरा पड़ता है तब भी जीव तड़प उठता है उस सूर्य के लिए। अगर बरसात के बीच में लगातार कई दिन तक हो और सूर्य चमक जाए तो एक खिलखिलाहट मुस्कुराहट जीव के ऊपर छा जाती है। जीव खिल उठता है। और वो अपने जीवन का पोषण करता है। सचमुच ऐसा ही लगाव अगर हमारा सूर्य अर्थात गायत्री उसके प्रति हो जाए तो कितना उद्धार हमारा हो जाए। एक बड़ा शोचनीय विषय और मैं आपसे कहना चाहूंगा। जीव जंतुओं पक्षियों इनको आप देखिए, ये अपनी जान को बचाने के लिए बिल्कुल भी आलस्य नहीं करते। पक्षी के नजदीक को कोई चलता है, याद रखना, जिससे मृत्यु का भय पक्षी को हो उसको देख करके अपने पंखों से फुर से उड़ जाता है। और पक्षी को एक और देखना, वो बड़ी तेजी से अपनी गर्दन को दोनों तरफ हिलाता है। भगवान ने उसकी बनावट भी ऐसी बनाई है इंसान को छोड़ करके, सब जीवों की बनावट ऐसी बनाई है कि उनको आंखें यहां दी हैं इस जगह पर, दोनों तरफ यहां पर आंखें दी हैं और आदमी को आंख यहां पर दी है। इसके पीछे कारण है मनुष्य को छोड़ करके हर किसी का जीवन अनिश्चिंत है। वो हर वक्त अपनी मौत को ढूंढते रहते हैं, हर वक्त अपनी मौत को ढूंढते रहते हैं और उससे बचने के लिए वो अपने प्रयत्न करते हैं।
परंतु इंसान को आंखें यहां पर दी हैं कि वो आगे ही आगे बढ़े, आगे ही आगे, ना इधर देख सके ना पीछे देख सके, वो अपने आगे को देखे, अपने भविष्य को देखे। परंतु ये इंसान भगवान का ये दिया हुआ जीवन आलस्य में चूर करके उसका विनाश करता रहता है। अभी मैंने बोला एक इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव आलस्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि दुनिया में दूसरे जीव आलसी नहीं है। सांप को देखिए, वो बिल में बैठ करके छुपा, बिल में छुप करके बैठा रहता है आलस्य के लिए, आराम करने के लिए। परंतु भोजन की तलाश वो भी करता है, काम नहीं करता इसलिए ढूंढ करके नहीं खाता। जो भी सामने आ जाता है उसको निगल जाता है, उसको निगल जाता है। तुम मेरे अपने हो, कितना प्यार करके मैं आपको कहूं, आलसी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, वो हराम की कमाई को निगल जाता है, वो हराम की कमाई को निगल जाता है। और भगवान ने ऐसा इंसान को बनाया है, दूसरे के हक को खाएगा तो पचा नहीं सकेगा, दूसरे के हक को खाएगा तो पचा नहीं सकेगा, नहीं पचेगा तो जीवन खराब हो जाएगा। मैंने कहा है मौत की जिंदगी लापरवाही से शुरू होती है, वो लापरवाही कर्म के प्रति सजगता का ना होना लापरवाही है। वो लापरवाही जब पक जाती है तो आलस्य बन जाती है, और आलस्य जब पक जाता है तो प्रमाद बन जाता है। जरा सोच करके देखिए, जो जिसका जीवन गतिशील है, जिसका जीवन गतिशील है, अंदर से देखेंगे उसका जीवन सौंदर्य से परिपूर्ण, स्वास्थ्य से भरपूर, स्फूर्ति और आनंद से परिपक्व बन पकड़ के रहता है। यत्र तत्र आकाश में विहार करने वाले पक्षी, जंगलों में चौकड़ी भरने वाले हिरण, गतिमान गाय बकरियां, घोड़े भेड़, वृक्ष, उछल कूद का जीवन व्यतीत करने वाले बंदर, जल में निरंतर गति करने वाली मछली, कछुए, मगरमच्छ, सब उस स्फूर्ति के कारण स्वस्थ रहते हैं। उनके जीवन में नवोल्लास भरा रहता है। स्फूर्ति उनके जीवन में ताजगी बनाए रखती है, उनके जीवन में गति नवोल्लास का प्रतीक होती है। इसके विपरीत
आलस्य में जड़ जीवों की तरह स्थिर रहने वाले जीव पंगु हो जाते हैं, पंगु अल्पायु और अस्वस्थ रहते हैं। निष्क्रिय जीवन जीने वाले जीव की आयु अल्प होती है। सतयुग में इंसान की आयु 120 साल है और कलयुग में वही आयु 70-80 साल रह जाती है। कारण जो अभी आपको समझाया गया, ये बुराइयां हमारे समय को खा जाती हैं और समय को ही नहीं खा जाती, इस जीव को पंगु बना देती हैं। अंत में ये हे योनि को प्राप्त हो जाता है, हीनता में उसकी गति हो जाती है, डरपोक हो जाता है। जिसके कारण वो अपना कार्य यथोचित गति से नहीं कर पाता। अब मैं ही आपसे कह रहा हूं, आपसे रोज रोज गति करा रहा हूं, मृत्यु से परे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, स्वास्थ्य को लौटाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, अगर व्यक्ति उनकी कीमत को नहीं समझेगा तो सब कुछ होते हुए भी वो निरंतर मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये लापरवाही उसकी अपनी लापरवाही नहीं है, वो सत्य के प्रति, परमात्मा के द्वारा बनाए गए रास्ते के प्रति अपने आप को लापरवाह बना करके रखता है। प्राणी मात्र हमें हर बात को सिखाता रहता है, प्राणी मात्र। अगर आपकी अंतर चेतना काम नहीं करती है तो संसार का हर जीव हमें अपने जीवन से सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अज्ञानी मनुष्य गच्छन्तु शिव मंदिरम किम आश्चर्य। एक लाइन लगा करके इंसान रोज पैदा हो रहा है और रोज मर रहा है, परंतु आदमी फिर भी इस बात को समझ नहीं पाता। कारण मानसिक गति। मानसिक गति के कारण मन में दुर्गुण आ गए, आध्यात्मिक शक्तियां निष्क्रिय हो गई, आध्यात्मिक शक्तियां निष्क्रिय हो गई। आवश्यकता है आध्यात्मिक शक्तियों को गति देने की। शक्ति निरंतर गतिशील रहती है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। आग को जला दीजिए, जब तक ईंधन मिलेगा जलेगी, रुकेगी नहीं, आराम नहीं करती। अगर उसमें आराम आ गया, सुख आ गया, तो वो मौत की तरफ चली जाएगी। या तो तिनके जलाएगी, नहीं तो मौत को में जाकर के शुमार हो जाएगी। अभी मैंने कहा चेतना निरंतर गतिशील है,
एक सेकंड का भी अवरोध उसके अंदर नहीं है। अपनी चैतन्य शक्तियों को निरंतर सक्रिय रखने वाले जो अवयव हैं, अंग हैं, निरंतर गति के कारण हष्ट पुष्ट और सुंदर होंगे कि नहीं होंगे? हष्ट पुष्ट और सुंदर होंगे। कामना करने वाले अवयव सूख करके विनष्ट हो जाएंगे। निरंतर कार्य से हमारा शरीर पुष्ट होता है और आत्मा को ऊंचाई पर उड़ने का मौका मिलता है। करिए अपने जीवन की यात्रा, जो समझाया है उसे अपने गुण में सुमार कर दें, उसको अपना गुण बनाएं। शरीर की कमजोरी है बुढ़ापे के कारण, उसमें कमजोरियां आ जाती हैं, तो हमारे ऋषियों ने हमें अनुभव दिया है जिसके द्वारा हम अपना सूक्ष्म और कारण शरीर चलाते हैं। अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को गति दीजिए। गहरी लंबी श्वास, ओंकार नाद का गुंजन, मस्तिष्क का जागरण। सूक्ष्म शरीर आपका मस्तिष्क, जागरण। ओ इन सारे निकम्मेपन को, निष्क्रियता को मिटाइए, सजग करिए अपने सूक्ष्म शरीर को, सजग करिए। ओम।
अक्सर महिलाएं अपने घरेलू कार्यों के लिए सुबेरे 5 बजे सबसे पहले उठ करके लग जाती हैं। कोई उनसे जगने और करने के लिए नहीं कहता है। गृहस्थ जीवन की उनकी जिम्मेदारी रहती है। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा, सर्दी के दिनों में कई आदमी गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है, मान लिया गर्म पानी से नहाते हैं, परंतु वो गर्म पानी करना, वो गृहिणी किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की कुछ है जो उसके रिश्ते हैं, ये सारी जिम्मेदारियां उस पर लाद दी जाती हैं। यही निष्क्रियता है। अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी खुद निभाया जाए। मुझे अगर गर्म पानी में नहाना है तो मुझे खुद ही करना चाहिए। अगर सोच आदि करने में भगवान ने यही रवैया अपनाया होता तो उस सोच के लिए भी हम उसी को कह देते, हमारे बदले में सोच भी आप ही कराइए। निकम्मापन नहीं, परपोसी नहीं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, अपनी शक्ति को जगाइए। गहरी लंबी श्वास, तेजवान, स्फूर्तिवान, गतिशील, सूक्ष्म शरीर। परिवर्तन को महसूस करना, अपने अंदर अपने सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन को महसूस करना, फीलिंग।
आत्मा की गतिशीलता सूक्ष्म शरीर में खेल नहीं बनाना, यथार्थ में करना है। आत्मा, आत्मा की शक्ति ओंकार भर दीजिए अपने सूक्ष्म शरीर को, शक्तिमान बना दीजिए। ओ सोमा ज्योतिर्गमय, ओम से कह रहे हैं, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय है, ओम मृत्योर्मामृतंगमय है। जरा ओंकार पर ध्यान दीजिए, ओम अमृतोर्मामृतंगमय है। ओम पर देखिए, ओम की प्रतिक्रिया देखिए, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, आलस्य प्रमाद लापरवाही के निकम्मेपन को हटाइए, एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नव उत्साह, नव उमंग आपके जीवन में भर जाए।
आज की बात समाप्त है।